वेलकम टू माय चैनल शॉन द राइटर वंस अगेन। तो आज 21 अप्रैल और दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल अभी कसौली। और हमारा बेसिकली मतलब मेरा भी बेसिकली इस टाइम पे प्लान था देव क्यारा बुग्याल करने का, जो अभी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ फ्रेंड्स के कारण 12 तारीख को। तो परसों ही सडनली नीलांबर सर का कॉल आया कि यार चल कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, एक दो दिन स्पेंड करके आते हैं। तो हम लोगों ने फिलहाल बनाया है प्लान कसौली का, और दिल्ली से कसौली लगभग 300 किलोमीटर। और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ऋषि सर, मैं, नीलांबर सर, वैभव और शौर्या। तो फिलहाल अभी मुझे ऋषि सर लेने आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अपना आज का सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया, सामान रख दूँ पहले मैं? गॉश, और बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, पहले पड़ाव पे आ गए हैं, हम दूसरे पड़ाव पे चलती हैं, बाल भारती। अब बाल भारती जाना है, नंबर लेने हैं, दो बिजी पर्सन में से एक बिजी पर्सन को हमने ले लिया है अपने साथ। हां, वैसे टाइम दिया था पहले 3 बजे का, फिर 2:30 बजे हो गया, तो मेरी पैकिंग वैकिंग नहीं हुई थी। तो फिलहाल अभी पहले लेना है नंबर सर को। देखो चलाओ भैया, हैं चलानी है या फिर क्या करना है? चला चला चला, सीधा चलना है अंबाले तक, तो मैं चलाऊंगा, वो पहाड़ पे तो तुम ही चलाओगे। वहां से निकालूं ये गाने? निकालो सीधा सीधा सीधा। चलो जी, दूसरे पड़ाव को भी उठा लिया हमने। तो दोपहर के लगभग 3:30 बज गए हैं और नीलांबर से तुमने साथ ले लिया है। बिल्कुल टाइम पे ले लिया है। क्या वैसे ऑन टाइम रहते हैं? नहीं नहीं, ऑन लेट है। मैं लेट हूं भाई, 2 मिनट लो बस। मैं हाय, हेलो हेलो, आपका नाम मनचंदा है? मनची। क्या नाम पूरा? मनची। ओके ओके, तो भाई तीसरा पड़ाव भी हो गया पूरा। अब तो किसमें ले रहे हो? हेलो। तो शाम के लगभग 9:50 और ये है हमारा रूम, और ऋषि सर बैठ के चला रहे हैं फोन। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर डिनर करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। नहीं नहीं, सबको रेडबुल तो सब पी लेंगे ऐसा ना, रेडबुल तो पी सकते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और व्यू यहाँ से कुछ दिखने वाला है नहीं फिलहाल, और हमारे होटल से व्यू कैसा है तो हमें भी नहीं पता है, मॉर्निंग उठने के बाद ही पता लगेगा। तो फिलहाल अभी वक्त है डिनर करने का, चिल करने का, रेस्ट करने का, और उसके बाद देखते हैं कल मॉर्निंग। तो दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे के आसपास सभी सोए थे, तो बहुत लेट सो के उठे हैं। तो अभी फिलहाल हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, नीचे बॉयस ले रहे हैं स्कूजी में भी ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि बॉयस फिलहाल क्या कर रहे हैं, और उसके बाद जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं इसको दिखाएंगे इसके बाद में हम लोग। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे की तरफ। हेलो, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई गजब, सर वो GoPro लेके आए? हाँ GoPro, GoPro, GoPro सही है, मैं भी आ रहा हूँ। ये तो बढ़िया बना रखे यार, है तो 4 का बट हमने 5 छूट रखे, अब 6 हो जाएंगे। मैं भी आ रहा हूँ उसी के अंदर। हेलो बॉयज, ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ, ब्रंच हो जाएगा फिर तो, है ना, सभी हो गया ये।
एक्चुअली ये सबसे सुकून वाला टाइम नहीं, एकदम पीस से सुकून से बैठना। दिल्ली में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, पर यहाँ गजब गजब की शांति है भाई, बहुत सुकून है। और यही तो टाइम चाहिए होता है। नहीं पता है, पहली बार इसके साथ प्रोग्राम होना है हमारा, ऋषभ के साथ। तो आज वैभव और शौर्य का बर्थडे है और दोनों अपने बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं और शाम को हम केक काटेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं, बेसिकली एक्चुअली यहाँ कोई और आ रहा है तो उनके किसी बच्चे का बर्थडे है और हम उसको डेकोरेट कर रहे हैं। बता देते हैं यार, मेरा नहीं है ये ऋषभ का बर्थडे है जो हमने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया परसों था, लेकिन आज हम कर रहे हैं। लेट हो गए, ओके दीदी बाय बाय, आ जाओ भाई। तो सुबह के लगभग बज गए हैं 11:15 और वक्त हो चला है अब दिल्ली जाने का। हमने दो दिन बहुत बहुत और बहुत रिलैक्स किया है और सारा सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं वापस जाने के लिए। तो लगभग शाम को 6-7 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। चलो जी, बहुत ही मेमोरेबल रहा भाई टूर, गजब का यार। मतलब वो लाइफ टाइम मेमोरी वाला होता है ना, मतलब बहुत सुकून यार, है ना। ओके ओके, अरे पक्का फिर नेक्स्ट बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है, पक्का डन, ठीक है, ओके ओके बाय बाय। चलो भाई, सो दो दिन की फुल ऑन मस्ती के बाद अब वक्त है दिल्ली जाने का। तो दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट रेडी हैं चलने के लिए। तू नहीं जा रहा साथ में, उसमें जाएगा? ओके बाय बाय। चलो बॉयज, अगर ये ब्रेक छोड़ने के पीछे नहीं जाएगी।